कुछ लोग बिना उम्र के भी चले जा रहे। कबीर की पत्नी ने कहा कहना क्या चाह रहे हो, तो कबीर साहब क्या कहते हैं, कहन कबीर ने कहा भैया मैं ये देख रहा हूं कि जितने लोग आकाश पाताल के बीच में हैं, वो सारे लोग पिस रहे हैं, कोई भी बच नहीं रहा है। कबीर की पत्नी ने कहा तो एक बात बताओ, जिंदगी भर से भजन आप कर रहे हो, आपो कोई रास्ता निकाले हो बचने का? भाई आपो संत है, ध्यान रखना, कबीर की जाति कभी नहीं पूछी गई। मैं चर्चा उसकी नहीं करूंगा क्योंकि बात विषयांतर हो जाएगी, लेकिन कबीर की जाति नहीं पूछी गई। क्यों? क्योंकि कबीर सच में संत, और जो सच में संत होगा उसकी जाति कभी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन वो सच में संत हो। उन संतों की तरह नहीं कि जो दाढ़ी बाल बढ़ाए, कपड़ा रंगाए और कोई पूछ दे बाजार में आप कहां से, तो एक चौपाई सारे ढोंगी संत बनाए बैठे हैं। राम का भजन राम का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। ये कहां लिखा है, कहां लिखा है तुम्हारे मुंह में? जितने ढोंगी हैं उनकी यही भाषा है, राम का भजन राम का होई, जात पात पूछे नहीं। कहां लिखा है? हर चीज का एक सिक्का मान। गीता में कन्हैया 18 अध्याय में से 7 अध्याय में केवल विभाग बांटे हैं दुनिया को, कौन कौन सा विभाग किसके लिए है और भजन कौन कौन किस स्थिति में कर सकता है। ऐसे ही नहीं है, तुम कह दोगे लेकिन ये भाषा किसकी है, जो सच में ढोंगी है। और जो संत रहे, जो सच में संत रहे, ध्यान रखना उनकी जाति नहीं पूछी गई। क्यों? वो जाति से ऊपर उठे, और जो सच में संत होगा, ईश्वर के नजदीक होगा, उसको दुनिया सम्मान करके पूजा करेगी, उसकी जाति नहीं पूछी जाएगी। याद रखो वाल्मीकि रामायण के बारे में, राम कहानी के बारे में, जितनी वाल्मीकि का रामायण हमारे यहां प्रमाण माना जाता है, राम कहानी में कोई भी शंका हो लेकिन वाल्मीकि में अगर वो घटना है तो वो सत्य मानी जाएगी, और कहीं है तो मान लिया जाएगा लेकिन विद्वानों की सभा में असत्य माना जाएगा, क्योंकि और सारे रामायण बाद के हैं। आज सबसे पुरानी कहानी वाल्मीकि।